पहले थोड़े बाल बना लूं। हाय गाइस, मैं आया हुआ हूँ वीआईपी उस्मानिया और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बलोची टिक्का कैसे बनता है और कढ़ाई कैसे बनती है। लेट्स गो। और अब मैं हूँ हेड शेफ के साथ, हेड शेफ परवेज। परवेज कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हो? और अब मैं आपको बलोची टिक्के बनाना सिखाऊंगा। मैं तो नहीं सिखाऊंगा, परवेज ही सिखाएंगे। परवेज क्या करते हैं पहले बलोची टिक्के में? बलोची को पहले ऑयल में डीप करते हैं। ऑयल में पहले डीप फ्राई करते हैं ऑयल में। सबसे पहले चिकन को बकौल परवेज के ऑयल में डीप फ्राई कर लें और फिर हरी मिर्चों को भी उसके साथ फ्राई कर लें और फिर अदरक और लहसुन को बारीक काट के उसको भी डीप फ्राई कर लें। और अब हम परवेज भाई से थोड़ा पूछते हैं कि ये बलोची टिक्के की जो रेसिपी है ये आपने कैसे कहाँ से बनाई? मेरा ताल्लुक है बलूचिस्तान से और ये बलोची टिक्का मैंने 96 में ईजाद की थी क्योंकि मैंने अपने तरफ से खुद बनाया और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। सब लोगों की डिमांड यही है बलोची टिक्का खाना है। और फिर मैंने गॉर्डन रैमसे और मेरा मतलब शेफ परवेज के कुकिंग शो स्टाइल वाले ब्यूटी शॉट्स भी लिए। और फिर जब आपको लगे कि अब ये जल ना जाए और मुझे भूखा मरना पड़ेगा तो उसको छान के बाहर निकाल लें और फिर उसको एक ट्रे में निकाल लें। ओह वेट वेट, ब्यूटी शॉट ब्यूटी शॉट ब्यूटी शॉट। और फिर ऊपर से गरम मसाला छिड़क दें और धनिया को भी दिल खोल के निछावर कर दें और फिर लेमन जूस को दूसरे ब्रांड की बॉटल में डाल के फुल स्क्वीज कर दें और ये लीजिए हमारा द ग्रेट बलोची टिक्का तैयार हो गया। और अब कुछ ब्यूटी शॉट। और अगर आपने वीआईपी उस्मानिया आके चाय नहीं पी तो आपने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो देसी ही क्या जो खाने के बाद चाय ना पिए, तो मैंने कहा यार ब्लोटिंग तो बनती है और किचन में जाके चाय के ड्रामाई अंदाज में कुछ शॉट्स भी लिए। गणपत बजाते रहना यार। फिर मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया और मैंने चाय का फुल आर्टिस्टिक शॉट लेने की नाकाम कोशिश भी की। इस पॉइंट पे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे अंदर भी एक क्विंटन टेरेंटिनो छुपा है। और फिर मुझे एक काली बिल्ली ने गंदे वाले लुक्स भी करा दिए। So VIP Usmania is located next to Bahria Town and I hope you guys enjoyed the vlog and I'll do the traditional closing. Aur VIP Usmania aake mujhe bahut maza aaya.